Hello everyone. So today we are going to discuss Roman civilization. World civilization का हमारा ये fourth lecture है और Roman civilization में हम discuss करेंगे कि Roman civilization का start कहाँ से हुआ और अब Roman में कौन से religions हैं जो कि इस time Rome में मौजूद हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी थोड़ी सी introduction की कि Rome basically Italic civilization थी जो कि Italian peninsula में ही start हुई और ये कहा जाता है कि ये इतनी एक्सपेंड हुई कि ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट सिविलाइजेशन बन गई और कहा जाता है कि तकरीबन 50 to 90 million लोग थे यहाँ पर और ये पूरी दुनिया की आबादी में 20% पॉपुलेशन थी इसमें और तकरीबन इसका अगर हम एरिया बात करें तो 6.5 million स्क्वायर किलोमीटर्स को कवर करती थी ये सिविलाइजेशन. एंशियंट रोम में क्या क्या था, विलेजेस थे बहुत से जो कि टाइबर रिवर के बैंक पे थे और टाइबर एक रिवर है जो कि इटली में है, जैसा कि मैंने बताया कि इटली में ही रोमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी और ये विलेजेस आपस में ये मिले और इन्होंने सिटी ऑफ रोम बनाया 750 बीसी में. इस किंगडम को, पूरी किंगडम को तकरीबन 200 सालों तक हुकूमत की किंग्स ने और बाद में ये एक रिपब्लिक स्टेट बन गई और जो असेंबली थी जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की असेंबली थी उसको नाम दिया गया रोमन सेनेट का. टिपिकल रोमन सिटी ऑफ रिपब्लिक वॉज मेड एट द प्लान ऑफ स्ट्रीट्स और दो मेन स्ट्रीट्स थी वहाँ पे, एक कॉर्डो और एक डिसिमिनस. जो कॉर्डो थी वो नॉर्थ टू साउथ थी और दूसरी ईस्ट टू वेस्ट थी. दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीट्स थी, दो मेन स्ट्रीट्स थी. छोटी छोटी स्ट्रीट्स भी थी लेकिन उनको हम रोमन सिविलाइजेशन में डिवाइड किया गया था ब्लॉक्स में और ओल्ड रोमन सिटी जो है वो नहीं बनी थी ये सिटी प्लानिंग से पहले, वो बाद में बनी. अब हम बात करते हैं ओल्ड रोमन सिटीज़ की. ओल्ड सिटीज़ छोटी थी स्पेस की वजह से, छोटी छोटी सिटीज़ बनाई गई थी जैसा कि मैंने बताया कि विलेजेस ही मिलते थे और सिटीज़ बन जाती थी. अब रीज़न ये थी कि घर बहुत छोटे छोटे थे और जो बिल्डिंग्स की हाइट थी और उनकी जो स्पेस थी वो भी इसी सब का पार्ट थी. घरों की जो छतें थी उनको फ्लैट बनाया जाता था कि अगर फायर फाइटिंग हो तो ईजी रहे, फायर फाइटिंग के पर्पज़ के लिए. और ये जो टाउन्स बने थे जितने भी रोमन सिविलाइजेशन में, वो स्ट्रीट्स उसमें थी, उसमें ब्लॉक्स थे. जैसे हमारे अब टाउन प्लानिंग अगर देखी जाए तो ब्लॉक सिस्टम है, स्ट्रीट सिस्टम है, तब भी स्ट्रीट्स और ब्लॉक्स बनते थे. हाउसेस थी, शॉप्स थी, वर्क प्लेसेस थी, फोरम्स थे, बार्स थे, बाथ हाउसेस भी थे. तो जितने भी रोम के टाउन्स थे उनमें ये चीज़ें मौजूद थी. रोमन सिटी की मैंने पॉपुलेशन की बात की लेकिन जो रोमन सिटीज़ की पॉपुलेशन थी वो अब की मॉडर्न सिटीज़ की पॉपुलेशन से कम थी. वहाँ पर तकरीबन 30,000 की पॉपुलेशन हमें मिलती है लेकिन जो ट्रेडिंग सिटीज़ थी रोम की, जो वहाँ पर ट्रेड होती थी, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी. फोरम बनाया गया था. फोरम किस लिए बनाया गया था? शॉपिंग के लिए. एक सेंट्रल यू कैन से एक बिल्डिंग बनाई गई थी जो कि शॉपिंग पर्पजेज के लिए यूज़ होती थी और फोरम में मीटिंग्स होती थी और भी बहुत तरह की पर्पजेज़ के लिए फोरम यूज़ किया जाता था. बेसिलिका ये टाउन हॉल था जो कि फोरम के साथ बनाया गया था और ये डेडिकेट किया गया था ओल्ड रोमन गॉड्स को. अब जब ऑगस्टस का टाइम आया तो रोम को बिग मेट्रोपॉलिटन बना दिया गया. मेट्रोपॉलिटन कहते हैं हम किसी ऐसे इलाके को या किसी ऐसे शहर को जो कि सेंटर हो, जो कि इम्पॉर्टेंट हो सबसे, और हम कह सकते हैं पॉपुलेशन जिसमें ज़्यादा हो. तो रोम को बना दिया गया. और क्यों बना दिया गया? क्योंकि समझा जाता था कि एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए ये एक सेंटर है. जैसा कि मैंने बताया कि रोम जो था वो इतनी एक्सटेंड हो गई थी कि ये लार्जेस्ट सिविलाइजेशन बन गई थी रोमन सिविलाइजेशन. इसको पॉलिटी का कैपिटल बना दिया गया, कहा जाता था कि ये पॉलिटिकल कैपिटल है और इसी के वजह से रोमन पावर की स्ट्रेंथ बताई जाती थी कि अगर रोम स्ट्रांग है ना, इसका मतलब है कि रोमन पावर जो है वो स्ट्रांग है. सिटी ऑफ रोम की मैं बात कर रही हूँ. अब थे ग्रिड प्लान. ग्रिड प्लान हम कहते हैं किसी भी जगह की अगर हम रोड्स कंस्ट्रक्शन या उनकी बिल्डिंग की प्लानिंग या किसी भी कंस्ट्रक्शन का या स्ट्रीट प्लानिंग का हम काम कर रहे हो, सड़कें बनवाना, घर कितने होने चाहिए, वो हम लाते हैं ग्रिड प्लान के अंडर. तो इट वॉज़ ईजी टू ले आउट, बड़े ईजी इनके प्लान्स थे, ठीक है. एडमिनिस्ट्रेशन इनकी बहुत अच्छी थी. वेंटिलेशन के लिए भी बहुत सी ऐसे तरीके बताए गए थे, उनको अश्योर किया गया था कि नेचुरल वेंटिलेशन होगी और बहुत ईजी था चीज़ों को डिफेंड करना. तो जो रोड्स बनाई गई थी वो ऐसी थी कि कुछ मेन रोड्स थी, मेन स्ट्रीट्स थी, और कुछ स्ट्रीट्स ऐसी थी जो कि आपस में इंटरसेक्ट करती थी जिसकी वजह से ट्रैफिक इशू आता था. लेकिन उसको ओवरकम करने के लिए लॉज भी बनाए गए ट्रैफिक के लिए. और फर्स्ट टाइम जो रोल जो उनके लॉज थे वो इम्पोज किए थे, वो किए थे जूलियस सीजर के दौर में. और रातों के टाइम कहा जाता था कि सड़कों पर बहुत खामोशी होती थी, यानी कि अब तो ऐसा है ना कि रात के 1 बज रहे हो 2 बज रहे हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रोड्स पे ट्रैफिक होती है, बट एट दैट टाइम नॉइज़ वॉज विटनेस्ड.
स्ट्रीट पैटर्न, स्ट्रीट पैटर्न उनका ऐसा था लाइक चेस के पैटर्न पे उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई थी, छोटे छोटे स्क्वायर हाउस ब्लॉक्स बनाए थे उन्होंने, बहुत से रस्ते थे, छोटे छोटे रस्ते निकलते थे। और एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है वॉज मेड फ्रॉम रोम टू ग्रीस, यानी कि एक रूट बनाया गया था, एक सड़क बनाई गई थी, एक स्ट्रीट थी जो कि रोम से ग्रीस तक जाती थी। मैंने बताया फोरम के बारे में, फोरम वैसे तो शॉपिंग पर्पज़ के लिए बनाया जाता था, लेकिन ऐसी ब्रॉड प्लेस जो कि सिटी के सेंटर में बनाई गई थी और उसमें क्या करते थे, मीटिंग्स भी होती थी, फेस्टिवल्स भी होते थे, फंक्शंस भी होते थे और प्रोसेशंस भी होती थी। तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अबाउट रोमन सिविलाइजेशन। अब रोमन्स बहुत प्रैक्टिकल थे, लेकिन उनकी सिटीज़ उस तरह से नहीं बनाई गई थी, सिटीज़ जो थी ना वो बहुत ही मिस्टिकल पैटर्न पर बनाई गई थी, और मिस्टिसिज्म भी उनके एक सोसाइटी का पार्ट था कि वो सराउंडिंग जो वाइल्डनेस थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था, और सुपरस्टिशंस भी थी। अब हम डिस्कस करेंगे रोमन रिलीजन को कि एट दैट टाइम रोमन्स का रिलीजन, उनके गॉड्स में वो जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। अब जो रोमन्स की अगर हम रिलीजियस हिस्ट्री की बात करें ना, बहुत मिथ्स मिलती हैं हमें, बहुत ज़्यादा मिथिकल हिस्ट्री है इनकी, और कहा इनका जो रिलीजियस हिस्ट्री है ना वो वैसे भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग से मुराद है तो सारे मिथ्स, लेकिन बहुत ज़्यादा मिथ्स हमें मिलती हैं। सक्सेस कहा ये कहते थे कि हम कामयाब हैं क्यों, क्योंकि हमारा गॉड के साथ रिलेशनशिप्स हैं। और ग्रीक थे, जो ग्रीक इन्फ्लुएंस था बहुत ज़्यादा था रोमन कल्चर पे, और ग्रीक इसलिए भी उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा था क्योंकि वो इटालियन पेनिनसुला के दौरान जो टाइम तब ये रोमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी तब ग्रीक्स वहाँ पर प्रेजेंट थे, और रोमन आर्ट वो भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी रिलीजन से और ग्रीक गॉड से। ग्रीक की बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, और इस पर वैसे ही बहुत ही एक अलग से डिबेट है कि इनकी क्या मेथडोलॉजीज हैं। तो रोमन जो आर्ट थी, रोमन कल्चर, रोमन रिलीजन, इस पर ग्रीक का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। मैंने ग्रीक और रोमन की जो एंशियंट एजुकेशन थी, इनके एंशियंट जो इनके बिलीव्स थे, उन पर भी वीडियो बनाई हुई है। सो इनके जो रिलीजियस पार्ट्स थे वो प्रेयर्स थे, रिचुअल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, और कहा जाता था कि ये डेली लाइफ ऑफ रोमन्स का पार्ट थी, यानी कि वो डेली लाइफ में उनके रिलीजन शामिल था ही था। बहुत ज़्यादा फोकस करते थे सेक्रीफाइसेस को, बिलीव्स को, प्रैक्टिसेस को। तो हुआ क्या कि रोम मिथ से भरा हुआ था, और कुछ थे कि वो राइज ऑफ सिटी के दौरान मिथ्स बनी, और कुछ थी जो फॉल के बाद भी बनी। जो रोम में बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनके बारे में भी मिथ्स हैं, वो कहते थे हमारे एक गॉड है जो हमारी जिसने ज़मीन उठाई हुई है, एक गॉड है जिसने आसमान उठाया हुआ है, कुछ अंडरवर्ल्ड गॉड्स हैं, कुछ वो हैं जो हमारे साथ रहते हैं लेकिन बताते नहीं हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी मिथ्स थी। फेमस उनके मिथ्स में हरकुलिस था, ज्यूस था, ये इसके इस पर भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन बनती है। और उनके कुछ फेस्टिवल्स थे जो कि गॉड्स के साथ वो अटैच कर देते थे, जैसे एक आर्क फेस्टिवल था उसको वो अटैच करते थे कि हमारे गॉड के साथ रिलेशन है। रोमुलस और रेमस, इनको कहते थे कि ये ग्रैंडफादर्स के थ्रोन बैक उनको लेके जाते थे। और इसी तरह जो रिलेशन ऑफ गॉड, वो कहते थे कि हम इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि हमारा गॉड्स के साथ रिलेशनशिप है, तो ये भी मिथ थी। रोमन गॉड जैसे कि मैंने बताया, वो कहते थे अपर हेवन का गॉड अलग है, अंडरवर्ल्ड के गॉड अलग हैं, और जिनकी कम पावर है या वो अर्थ ज़मीन में रहते हैं वो जन्नत में रहते हैं, वो अलग अलग उन्होंने कैटेगरीज डिवाइड की हुई थी गॉड्स की। और जो इनकी सारी ये गॉड सिस्टम की जो इवेल्यूएशन हुई, ये साथ वक्त के साथ साथ होती रही। जैसे जैसे उनकी सोसाइटी में कोई सोशल चेंज आता था, कोई पॉलिटिकल, कोई इकोनॉमिकल चेंज आता था, वैसे वैसे उनके गॉड्स में इवोल्यूशन होती रहती थी, चेंज आते रहते थे। अब वो कहते थे कि जो जुपिटर हमारा गॉड है वो एक ब्रिज का काम करता है हम लोगों को हमारे गॉड के साथ रिलेशन बनाने में। इसी तरह जो ग्रीक गॉड्स थे ना, वो भी रोमन सोसाइटी का पार्ट बन गए थे। क्यों? क्योंकि ग्रीक इन्फ्लुएंस था रोमन सोसाइटी पे। अब मिस्ट्रीज, ग्रीक मिस्ट्रीज रोमन कल्चर का पार्ट थी, लेजेंड से रिलेट करते थे ये लोग। और ये जितनी भी इनकी सेरेमनीज होती थी, फेस्टिवल होती थी, ये उनको भी मिस्ट्रीज से अटैच कर देते थे। और लोग तो खुद कहते थे कि ये लाइक ये हमारी मिस्ट्री है तो इसका ये थियोलॉजिकल ग्राउंड है। उनकी इतनी वो अपने रिलीजियस जितनी भी मिथ्स हैं उनके बारे में हाई थिंकिंग करते थे। फेस्टिवल्स अभी भी खैर, और स्टार्टिंग में भी उनके जो रिलीजियस फेस्टिवल्स थे वो 40 थे एट एंशियंट टाइम, जब ये रोमन सिविलाइजेशन बनी। कुछ जो थे वो काफ़ी दिनों तक चलते थे, कुछ एक दिन के लिए, कुछ दो दिनों के लिए, वो उनके रिलीजियस मिथ्स के अकॉर्डिंग उनकी टाइमिंग्स होती थी फेस्टिवल्स की। फेस्टिवल्स के लिए बकायदा छुट्टियां दी जाती थी, गेम्स खेलते थे वो लोग फेस्टिवल्स के लिए। और ये जितने फेस्टिवल्स थे वो उनको इतना इंपॉर्टेंट समझते थे कि वो अपने सोशल और पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस दे देते थे, यानी कि इन चीज़ों में भी शुमार करते थे वो फेस्टिवल्स को।
रिलीजियस बिल्डिंग्स इनकी थी जिसमें वो जाते थे और जाकर कुछ प्रेयर्स वगैरह करते थे, प्रैक्टिसेस करते थे, जानवर कुर्बान करते थे. और ओपन ईयर में वो रात के टाइम सेक्रीफाइसेस नहीं करते थे, वो दिन के वक्त करते थे और डेडिकेट करते थे अपने गॉड्स को कि ये मैंने चीज़ ज़िबा कर दी है या सेक्रीफाइस कर दी है फलाने गॉड के लिए. उनके टेम्पल्स बने थे कि वो जितनी भी उनकी फतह हुई है, जितनी उनकी जनरल चीज़ों के लिए, यानी कि जो अगर फतूहत हो रही थी उन पर वो टेम्पल बना देते थे. ठीक है. और जैसे कि मैंने बताया कि प्रेयर्स जो थी वो बहुत ज़रूरी थी उनकी प्रैक्टिसेस के लिए, और सेक्रीफाइसेस वो रात को नहीं करते थे, वो दिन के वक्त करते थे. ओथ्स लेते थे सेवरल प्रैक्टिसेस को पूरा करने के लिए और गॉड की प्रेजेंस पे लेते थे. ठीक है. वो सेक्रीफाइस उनके रिलीजियस प्रैक्टिस का एक एलिमेंट था कि वो कहते थे इससे हमारे खुदा खुश होंगे और हमें इसमें बेनिफिट मिलेगा इन रिटर्न. एनिमल सेक्रीफाइसेस बहुत कॉमन थी. These sacrifices were to held under the daylight and in front of public. ये मैंने बताया कि ओपन ईयर में करते थे. और कैटेगरीज थी, मैंने बताया कि गॉड्स की कैटेगरीज बनाती थी कि ये अपर हेवन, अपर हेवन के गॉड्स हैं, ये अर्थ के हैं, ये लोअर हेवन के हैं, उनकी लेस पावर्स हैं, इनकी हाई पावर्स हैं. तो इस हवाले से वो गॉड्स को कैटेगराइज करते थे. कभी कभी तो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस भी परफॉर्म हो जाती थी और ये बड़े ही स्पेशल मकसद के लिए करते थे वो. और कुछ टाइम तो ऐसा होता था कि वो अगर आपको हार हो गई है, यानी कोई डिफीट हो गई है या कोई किसी ने इन्वेड कर दिया, कोई आर्मी आ गई है, तो तब भी वो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस करते थे. अब स्टेट और रिलीजन उनका कैसा था. रिलीजन वॉज इंटेग्रल पार्ट ऑफ स्टेट. स्टेट में रिलीजन का बहुत इंपॉर्टेंट उनका एक वो ब्लेसिंग समझते थे इसको. और वो कहते थे कि ये रिलीजन ऐसी चीज़ है जो कि हमें खुदाओं के गुस्से से बचाता है. और कंसेंट ऑफ गॉड वॉज टेकन थ्रू द रिलीजन. रिलीजन अडॉप्ट करते थे कि हम लोगों की लॉयल्टी हासिल कर सकें. फिर वो लोगों को, अब रिलीजन भी उन्होंने एक टूल बना लिया था कि हम लोगों को मैनिपुलेट कर सकें मिथ्स के अकॉर्डिंग. और लॉज भी बनाए गए, पब्लिक लॉज वर टेकन फ्रॉम द रिलीजन. तो ये एक ही तरह की बात है कि उस टाइम मिथ्स, मिस्ट्रीज, रिलीजन, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती थी. जैसा कि वो रिलीजियस को एक बिलीफ मानते थे, उसको बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, तो उसी तरह कॉन्सेप्ट थी आफ्टर लाइफ की कि आखिरत कह सकते हैं हम इसको, कि मरने के बाद की भी एक ज़िंदगी है. क्यों? क्योंकि उनका रिलीजियस में इतना इंटरेस्ट था कि वो इस चीज़ पे यकीन रखते थे कि हम मरने के बाद भी हमारी एक ज़िंदगी है. और रोमन सोसाइटी ने जब ये कॉन्सेप्ट उन्होंने समझा कि हाँ ठीक है, हमने आफ्टर लाइफ का भी कॉन्सेप्ट है हमारे पास, तो उन्होंने चार्जेस लेस कर दिए थे. यानी कि जो उन्होंने हॉल्स बनाए हुए थे, बिल्डिंग्स बनाई हुई थी प्रेयर्स वगैरह के लिए, उसके जो एक्सपेंडिचर्स थे उनको कम कर दिया था कि जो कॉमन पीपल हैं वो भी जाएं और जाकर अपनी प्रैक्टिसेस कर सकें. कुछ और इन्फ्लुएंसेस थे रिलीजन पर, जैसे मिलिट्री के साथ अटैच कर देते थे. स्टेट वुमेन का स्टेटस बताया कि वुमेन की पार्टिसिपेशन कम होनी चाहिए पॉलिटिकल चीज़ों में और इस तरह में, तो पार्टिसिपेशन कम कर दी. सुपरस्टिशन थी बहुत ज़्यादा. मैजिक तब अटैच किया जाता था रिलीजन के साथ. बहरहाल सिंपल सी ये बात थी कि स्टेट के अंदर रिलीजन जो था वो इंटीग्रल पार्ट प्ले करता था. कंक्लूजन इसका ये है कि रिलीजन वॉज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर, और जितना भी सोसाइटी का स्ट्रक्चर था डैट वॉज बेस्ड ऑन द रिलीजन. तो हम रोमन सोसाइटी में रिलीजन को निगलेक्ट नहीं कर सकते. तो ये बात थी एंशियंट रोम की, जब रोमन सिविलाइजेशन बनी इटालियन पेनिनसुला में. अब अगर हम आज की बात करें तो रोम में जो रिलीजन है डैट इज़ कैथोलिक. कैथोलिक चर्च जो है वही मेन है, और रोम में कैथोलिक्स ज़्यादा हैं, यानी क्रिश्चियनिटी उनमें बहुत है. और उसके अलावा और भी बहुत से रिलीजन्स हैं, लाइक इस्लाम है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी, ज्यूइश, ये सब रिलीजन्स भी हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रोमन सिविलाइजेशन.